मैं हूँ फट फट और आज की सबसे ब्रेकिंग खबर, मिस्टर गिरने वाला जी ने करीब 1.99 लाख बार गिर चुके हैं। साथ साथ वो अभी हम लोगों के साथ बात करते करते 2 लाख क्रॉस कर गए, 2 लाख उनका हो चुका है। अरे बाबा ये कैसा आदमी है रे बाबा, का तेल में फिसलता रहता है क्या दिन में, या जूते के अंदर तेल भरा है रे बाबा। तो क्या जी, ये तो उनके इंटरव्यू के भी पता चलेगा, उनके साथ हम जुड़ते हैं। मैं हूँ मिस्टर गिरने वाला, मैं इतना बार गिर चुका हूँ कि गिरने वाला बोलेगा, भाई तुम कितने बार गिर चुके हो, मैं इतना बार गिरा हूँ कि पानी भी नहीं इतना बार गिरा होगा। आज की सबसे बड़ी खबर अरे बाबा फट फट तुम्हारा चश्मा बार बार काहे को गिर रहा है रे बाबा, इतना मुँह फाड़ के क्यों बोलते हो रे बाबा। हाँ लेकिन आप बीच में क्यों इतना गला फाड़ के बोलते हैं शूट के दौरान। अरे बाबा मेरा नाम टोकिया जी है तो मैं टोकूंगा ही ना रे बाबा। वेरी बैड नॉनसेंस। तो आज की सबसे बड़ी खबर, हमारा सेट खाली हो चुका है, ये कोई बीमारी नहीं है ना कि ये वायरस है, ये टोकिया जी। अरे बाबा अभी मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया है तो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो लाइव टीवी पे, मैं तुम्हें शो से निकाल दूंगा। आप मुझे निकाल भी नहीं सकते क्योंकि मैं फेविकॉल वाला जूता पहन कर आ गया हूँ। अरे बाबा आज का सबसे बड़ा डिबेट का टॉपिक है, आप किसने मेरा कॉफी पिया। अरे बाबा मैं चाय पीता हूँ बाबा, मैं कॉफी नहीं पिया हूँ। तो आज हमारे साथ दो समझाता जुड़ने वाले हैं, एक कुछ ज्यादा ही बोलता है और दूसरा कुछ ज्यादा ही पकाते हैं। तुम्हारे पकाने वाले संवाददाता लंदन से स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। अरे तुम्हें कितनी बार बताओ, मैं लंदन में बैठा हूँ स्टूडियो के अंदर बैठे, भले मैं मानता हूँ कि मैं स्टूडियो के अंदर हूँ लेकिन हूँ तो मैं लंदन में ना। लेकिन हाँ आप लंदन में हैं तो लेकिन स्टूडियो में बैठे तो स्टूडियो में है ना, नहीं लेकिन स्टूडियो तो लंदन में है ना, लेकिन बैठे तो स्टूडियो में है ना लेकिन लंदन में है ना। मुझे आपसे बात नहीं करना, मुझे भी नहीं करना, जाओ किसी और से डिबेट करवा लेना। तो जैसे कि अब देखें हमारे गुस्से भड़कने वाले संवाददाता कुछ ज़्यादा ही चिल्लाते हैं, दिन भर इतना चिल्लाते हैं कि चिल्लाने ये इतना बार तो नेता लोग जो भाषण देते चिल्लाकर उससे ज़्यादा ही चिल्लाता है। क्या बोला? कुछ नहीं। तो मिस्टर रॉल्टी जी उनका नाम मैंने नहीं बताया था, कोई बात नहीं। हमारे साथ दूसरे संवाददाता जुड़ रहे हैं जिसका नाम है मिस्टर नास्ता जी। राम राम। हाँ राम राम। तो आपसे ये सवाल है, आज का डिबेट का मुख्य सवाल है, आखिर किसने मेरा चाय पिया। चाय? अरे बाबा मैं तुम तो भी बोल रहे थे कॉफी किसने पिया, अभी तुम चाय पीने का बात कर रहे हो। अरे बाबा मुझे लग रहा है कि आपने पिया इसलिए मैंने कॉफी से चाय पर आ गया। तो आज का दूसरा सबसे बड़ा, तो आप बताइए मेरा कॉफी किसने पिया। अरे बाबा अब तुमने बोला कि चाय किसने पिया। आप मत टोकिए मुझे बार बार कि आखिर मैंने किसने मेरा कॉफी पिया, बताओ। अरे मैं कॉफी नहीं पीता हूँ, मैं लस्सी पीता हूँ। बाबा आपको भी इनका लग गया बोलने का, अरे दिमाग खराब करते हैं ना दिन भर। क्या बोले, मैं तुम दोनों को हटा दूंगा, इसको तो फटफट को हटा ही नहीं सकता, फेविकॉल वाला जूता पहन कर आ गया है। फिर आप बताइए आप चाय बनाए किसने मेरा कॉफी पिया। अरे मैं थोड़ी ना जानता हूँ, मैं उधर पटना में बैठा हूँ, तुम इधर महाराष्ट्र में बैठे हो, मतलब मुंबई में बैठे हो, लेकिन पहले बताइए किसने मेरा पिया, मैं थोड़ी ना जानता हूँ। अरे आप ही जानते, मुझे आपका बोली से लग रहा है कि आप ही ने मेरा चाय पिया है। अरे मैंने नहीं पिया है, मैं तो लस्सी पीता हूँ, और तुम अभी बोल रहे थे कॉफी किसने पिया, चाय किसने पिया, पहले बताओ क्या पीने किसने पिया। मुझे लग ही रहा है आप लस्सी पीते हैं। हाँ मैं लस्सी पीता हूँ, लेकिन
लेकिन लेकिन लेकिन मैं चाय और कॉफी नहीं पीता। चाय मुझे लग रहा है कि आप मेरे कॉफी में से दूध निकाल कर उसका दही बनाकर उसका लस्सी बना लिए है। ओफो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुको, आप ही ने पिया। एक सेकंड ठहरो, मैं यहाँ ठहरा ही हुआ हूँ स्टूडियो के अंदर। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पहले लैपटॉप ठीक करो ना बाबा। फिर व्हाट यू वांट टू से बाबा ब्लैक शिप? अरे मुझे पहले मेरा नाम नाश्ता था, नाश्ता से तुमने बाबा ब्लैक शिप कर दिया। पता नहीं अगले बार क्या बना डालोगे। मैं तो किसी को भी कुछ भी बना डालता हूँ। अरे मैं न्यूज़ एंकर या बक बक करने वाला एंकर। फिर रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एक सेकंड रुको, लैपटॉप ठीक करो। सॉरी, अब बताओ क्या काम है। आपने पहले बताइए मेरा चाय किसने पिया? मैंने कहा ना मैंने चाय नहीं पिया। रुको, अरे बाबा तुम लोग फिर से झगड़ा करने लग गए रे बाबा। इस बार तो हाथापाई कर रहे हो रे बाबा। हम करेंगे हाथापाई, हम सबका करेंगे बाबा। जब तोड़ फोड़ में मचा तो रख दूंगा। ऐसा तो हलवाई भी नहीं बना पाता होगा। मैं बातों बात इतना ना, मैं इसलिए मुझे कोई कॉमेडी शो में नहीं रखता, क्योंकि मैं लोगों को ऐसा पकाता हूँ कि इतना मैं इतना इतना खतरनाक। वैसे तो आग भी खाना नहीं पकाता है। क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, तुम्हें कौन नमूना आ गया झगड़ा करने? अभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पहले बातों में झगड़ा करूंगा मैं। बातों में झगड़ा, पहले बताओ केतु कहाँ है? केतु मैंने पॉकेट में रखा है, देख लो कहा है। पॉकेट कहाँ है? सॉरी, मैंने पकड़ी के अंदर है। अरे कागज पे केतु लिखा है, बोल रहे हो केतु तुम्हारे पगड़ी के अंदर है? केतु उधर सियाचिन ग्लेशियर में रखा है, तो मेरे पगड़ी के अंदर घुसा रखे हो? हाँ, क्या है ये? क्या है? अब बताओ एवरेस्ट कहाँ है? एवरेस्ट मेरे दुकान में है। तुम्हारे दुकान में कैसे हूँ? तो नेपाल या फिर चाइना के अंदर है? अरे मेरा एवरेस्ट मसाला मिर्चा चीना। क्या कहना चाह रहे हो? कौन सा माउंटेन का नाम बोल रहे हो भाई? समझ ही नहीं आ रहा है। फिर छोड़ो मेरा सवाल, ये बताओ 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 बताओ। अरे बाबा, अरे बाबा, मेरा पता नहीं क्या मेरा गाय को गर्म हो रहा है बाबा। रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या 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 क्या? अरे बाबा, मेरे कैमरा पे आग लग गई रे बाबा। तुम लोगों का झगड़ा चक्कर में मेरा 40 लाख का नुकसान।
दूंगी मैं आपको 40 लाख दूंगा। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम 40 लाख देने के चक्कर में 40 लाख देकर चले जाओगे? हाँ। अरे